नमस्कार दोस्तों, आज हम एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसका नाम है मीटर ब्रिज। एम है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग द मीटर ब्रिज। उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी? उसके लिए हमें एक जॉकी, एक मीटर ब्रिज, एक एलिमिनेटर, एक शंट रेजिस्टेंस बॉक्स, पेचकस, वायर कटर और वायर्स, रेजिस्टेंस वायर्स एंड वायर्स, इन एपरेटस की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। मीटर ब्रिज होता क्या है? मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज में चार रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल लगे रहते हैं। जब हमारा एपरेटस बैलेंस कंडीशन में होता है तो दो रेजिस्टेंस का रेशियो दो रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाता है। पी अपोन की इक्वल टू आर अपोन एस, इस तरीके से हो जाता है। तो इस प्रैक्टिकल को करने से पहले हम वायर का कनेक्शन देखेंगे, किस तरीके से वायर करते हैं, कनेक्शन करते हैं वायर का। इसका एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग वायर का कनेक्शन करना होता है। इसमें दो एल टाइप की पत्तियाँ होती हैं और बीच में एक गैप रहता है। दो गैप्स के बीच में हम रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्शन करते हैं और दो गैप्स के बीच में हम रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस वायर को लगाते हैं, जिससे हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये जॉकी है जिसकी सहायता से हम मीटर ब्रिज पर नल पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। अब कनेक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले बैटरी के एलिमिनेटर पर जाते हैं। उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम एक स्विच की सहायता से कनेक्ट कर मीटर ब्रिज के इस टर्मिनल से ऐड कर देते हैं। फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स को मीटर ब्रिज के दूसरे सिरे से कनेक्शन कर देते हैं। फर्स्ट गैप में हम एक अननोन रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं। बीच वाले टर्मिनल्स को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर उसे जॉकी की सहायता से कनेक्ट कर देते हैं। सेकंड वाले गैप में हम एक अननोन रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। अब प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। ऐप दूसरी डाउनलोड करने